ठाकुर गली वहीं पर, और अपना घर भी बड़ा घर, अपना लिए बहुत बड़ा सुंदर घर, और ठाकुर जी के लिए सबसे घटिया स्थान रख लेते। बोले नहीं, पहले कृष्ण उद्धव जी को कहते, बोले उद्धव अगर मेरे मंदिर कहीं बनता है उसमें कोई अगर एक ईंट दे देता है ना, मैं उसके लिए गोलोक वृंदावन में उसके लिए महल में बना देता हूँ, उसके लिए मैं महल बना देता हूँ। अगर ठाकुर की मंदिर के लिए एक अगर कोई ईंट दे देता है, इतने महत्व है भगवान की मंदिर बनाने का, भगवान की सेवा पूजा करने का। इसलिए क्या करो, हर घर घर में ठाकुर जी होनी चाहिए। रोज ठाकुर जी को जैसे कपड़ा बदलाओ, ठाकुर जी को कभी 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 हम क्या करते हैं जानते हो, खुद तो दिन में दो बार अपना कपड़ा को बदलाते हैं, लेकिन ठाकुर जी 10-15 दिन से एक कपड़ा पहनकर बैठे हुए, और एक कपड़ा पहनकर 10-15 दिन से बैठे हुए, और जिसने सब कुछ तुमको दिया उसी के लिए कुछ नहीं, और खुद दिन में 3 बार बदला दे, 2-3 बार साड़ी बदला दे, कपड़ा बदला दे, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्णा द्रौपदी, द्रौपदी भगवान क्या दिया होता, भगवान का अंगूर जब कट गया ना, द्रौपदी ने थोड़ी केवल साड़ी को फाड़ करके बैंडेज कर दिया। भगवान सोच रहे हैं कब मेरे को मौका मिले इसकी मैं ऋणी चुका, इसकी ऋणी में कब चुका हूँ, कब इनका ऋण चुका हूँ। भगवान देख रहे थे, जब भरी सभा में लाज जा रही थी, ठाकुर जी स्वयं वस्त्र बनकर प्रकट हो गए। इसलिए श्री हरिभक्ति विलास में कहते हैं, ठाकुर जी के लिए जो वस्त्र पहनाते हैं ना, उसमें जितने धागा होती है उतना कल्प तक जीव को वैकुंठ वास होता, वो कपड़े में जितने धागा होती है, हैं? इसलिए घर में ठाकुर जी को देखो, कभी कभी ठाकुर जी को भी स्नान करानी चाहिए, ठीक है ना, अच्छे तरह से ठाकुर को, हैं? अगर तुम्हारे घर पीतल का मूर्ति है दही से साफ करा सकता हूँ जाता है, नहीं तो नींबू से रगड़ करके ठाकुर जी को, नींबू से अच्छे तरह से ठाकुर को स्नान करा के ठाकुर जी को, खुद तो शरीर में क्रीम पाउडर लिपस्टिक ब्यूटी पार्लर में जाकर खुद सजते हैं, फिर ठाकुर जी को कुल कुछ करते नहीं, ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं, ठाकुर जी को बीच बीच में अच्छे तरह से स्नान कराओ, ठाकुर का श्रृंगार कराओ, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ, ठाकुर जी को देखो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, ध्यान देकर सुनो, जैसे जब हम अपना शरीर को श्रृंगार करके शीशा को सामने जब खड़े हो जाओ, अपना शरीर को श्रृंगार करो और शीशा को सामने खड़े हो जाओ, आप देखना परछाई को सजाना पड़ता है, ये शरीर को जैसे सजाओगे ना वो परछाई अपनी आप सज जाती है, परछाई को भी नहीं सजाता है, शरीर सजाते ही परछाई सज जाती, मतलब क्या, मूल कौन है, बोले ठाकुर जी, जितने अच्छे तरह से ठाकुर को श्रृंगार करोगे, वस्त्र पहनाओगे, ठाकुर को सेवा करोगे, अपनी आप तुम सज जाओगे, अपना को सजाने का जरूरत नहीं, ठाकुर को सजाने के लिए कोशिश करो, हैं? ठाकुर जी को श्रृंगार करो, ठाकुर जी को हाँ पूजा सेवा करो। एक समय कोई एक भक्त था, वो था ब्रिगेडियर, वो था सेना की नायक, एक समय ध्यान देकर सुनो, एक समय वो जा रहा था किसी हेलीकॉप्टर में, हठात समुद्र का बीच में आग लग गई, अभी उसमें 3-4 लोग थे, बिना तो बचने का कोई उपाय नहीं, लेकिन जो ब्रिगेडियर जो था कृष्ण भक्त था, उसने सोचा अगर अभी कोई बचाने वाले हो तो केवल प्रभु ही बचा सकते हैं, और कोई बचाने वाले कोई नहीं, इतने में उसने भगवान के नाम को लेकर के, हैं, ठाकुर जी को अंतिम समय में भगवान को रो रो कर पुकारा, ठाकुर तू बचा सकते, तू ही बचा सकते हो। इतने में 3 दिन बाद में उसको होश आया, जब होश आया देखा वो हॉस्पिटल में, 3 दिन बाद में उसने पूछा मेरे संगी कहाँ गए, बोला पता नहीं वो सबके सब खत्म हो गए, उसने देखा मेरे संगीत सबके सब खत्म हो गए, मैंने अकेला कैसे बच गया, उसको याद आया जब मैंने गिरा था, मैंने भगवान का नाम को लेकर गिरा था, कृष्ण का नाम लेकर गिरा था, ठाकुर तू ही केवल बचा सकता, अभी कोई बचाने वाले नहीं, तब तीनों बने गए, मैं अकेला कैसे बच गया, मतलब कृष्ण हमें बचाया, जब देखा जब भगवान हमें बचाया, फिर ये जीवन फिर माया में क्यों, उन्होंने सारी नौकरी को त्याग दिया, उसने वृंदावन में आया, वृंदावन में आकर किसी शुद्ध साधु से भगवान का नाम ग्रहण किया, हरि नाम को लिया, और सुंदर राधा कृष्ण का जुगल जोड़ी, हाँ ठाकुर जी को अभी सारा दिन उन्हीं की सेवा में लगा, उनको श्रृंगार कर, उनको ही सजाए, उनको स्नान कराए,
और उनको झूला में बैठा करके सुंदर है राधे झूला न पधार जो कि आए बदरा जो कि आए बदरा यदि आए बदरा राधे झूला न पधार जो कि आए बदरा। बड़े सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी भजन गाता है। एक दिन क्या हुआ उसको, ठंडी का समय था वृंदावन में, वृंदावन बहुत ठंडा पड़ता है, बहुत ठंडा पड़ता है। उसने कोई चलती बाजी करके कोई विशेष काम था, उसने क्या किया ठाकुर को तो सहने कराया, लेकिन रेजाई जो उड़ाता है ना रोज ठाकुर को रेजाई उड़ाता है, वो रेजाई उड़ना भूल गया। और घर का जो खिड़की था उसने जल्दी बाजी उसको भी बंद करना भूल गया। वो जाकर के सो गया। जब सो गया रात को उसको स्वप्न आया, है रात को उसको स्वप्न आया, बोले तुमने मेरे को रजाई नहीं उड़ाया, खिड़की तुमने बंद नहीं की, मेरे को ठंडी लग रही है, उधर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आकर के देखो तो मैं कैसे लेटा हुआ हूँ। अभी तुमने भूल गई उसको, बोले क्या सचमुच से मैंने ठाकुर जी को खिड़की नहीं बंद किया और ठाकुर जी को रजाई सचमुच से मैंने नहीं उड़ाई। उसने सचमुच दरवाजा खोल करके रात में देखा, सचमुच से खिड़की खुला हुआ। ठाकुर जी तुम्हें भी ठंडी लगती है, तुम्हें भी ठंडी लगती है, देखो हम इतना कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, भगवान सब कुछ करते हैं। ठाकुर जी का प्रेम से जैसे सेवा करोगे ना ठाकुर तेरे से बात वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। इसलिए हर घर घर में ठाकुर जी को अच्छे तरह से ध्यान रखो, उनको खाने पीने का उनका पहनने का जितने ठाकुर को ध्यान रखोगे ना हम अपनी आप फलते फूलते रहोगे। ठाकुर जी जितने सेवा करोगे जितने बताओ सुदामा कृष्ण के लिए क्या दिया बताओ, दो मुठी चिड़वा तो दिया है ना ठाकुर जी, त्रिभुवन का राज्य दे दिया ठाकुर जी, लेकिन हम क्या करते हैं सारा दुनिया को तो खुश करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन ठाकुर को खुश करने की कोशिश नहीं करते। सारा जीवन दुनिया की कैसे खुश करे सारा दुनिया को, लेकिन ये दुनिया ऐसे है ना भले ही जिंदगी भर इसको खुश करने के लिए कोशिश करो लेकिन थोड़ी सी कोई भूल चुक हो जाएगा ना तो जीवन नहीं देखेगा, बोलेगा तू मेरे लिए क्या किया, झट बोलेगा तू मेरे लिए क्या किया, वो एकदम झट निकलता है। और ये जगत में ना आप सभी को सेवा कर रहे हो, बेटा बेटी पति पत्नी दुनिया को, आप बताओ दुनिया में अभी तक किसको खुश कर पाए आप लोगों ने बताओ, कोई खुश हुए बेटा खुश हुआ ना बेटी तुम्हारे पर खुश हुई ना पत्नी खुश हुए ना पति खुश हुए, ये जगत में किसी को खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन एक बाकी भी हरे कृष्णा को खुश कर लो बस सब अपने आप खुश हो जाएंगे। मीरा किसको खुश किया बताओ, हनुमान जी किसको खुश किया, तुलसीदास ने किसको खुश किया, ठाकुर को खुश किया, सारा दुनिया खुश हो गई है। देखो आप छोटी सी कहानी सुना था ध्यान टेबल से, मैंने आप ब्रिजवीर में सुनाया था, पहले एक समय है एक समय क्या हुआ अयोध्या में एक गुरु और एक चेले थे, वो चेला बहुत ही छोटा बच्चा था है। एक दिन गुरु जी वो चेले को बोले, बोले चेले मैं कुछ दिन के लिए मेरे को कोई विशेष काम बाहर जाना, तो ये ठाकुर का सेवा पूजा कर लोगे, बोले गुरु जी आपका आदेश होगा तो कर ही लूंगा, तो देख बेटा ठाकुर को ठीक से खिलाना पिलाना सुलाना, बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो आप जाओ मैं ठाकुर को अच्छी तरह से सेवा करूंगा। गुरु जी चले गए, लेकिन वो कभी देखा नहीं गुरु जी कैसे भोग लगाते, कभी देखा ही नहीं, वो छोटा बच्चा, उसने सोचा जैसे हम खाते हैं ना ठाकुर भी बैठ कर खाएंगे, उसने रोटी सब्जी बनाए बना करके ठाकुर को सामने रख दिया पीली रख दिया, बोले ठाकुर जी आओ गुरु जी तो बाहर गए हुए, और बोले ठाकुर को अच्छे तरह से खिलाना आप बैठो और खाना खाओ। लेकिन देखा ठाकुर बैठ नहीं रहे, ठाकुर उतर कर बैठ नहीं रहे, बोले मैं छोटा बच्चा इसलिए मैं ठीक से रसोई नहीं बनाया और मंत्र फंत्र तो आता ही नहीं मेरी कुछ पूछो इसलिए आप नहीं बैठ रहे हो, गुरु जी बोर कर गए अच्छे तरह से सेवा करना नहीं तो गुरु जी नाराज होंगे, ठाकुर जी आप बैठो और अपना भोजन करो। लेना तब भी ठाकुर बैठ रहे खाना नहीं खा रहे, बोले अगर खाना नहीं खाओगे ना आप लोग अयोध्या गए हो वहां पर सरयू नदी है सामने बहती है, बोले अगर आप खाना नहीं खाओगे सरयू नदी बह रही ना हम इसमें आत्महत्या करोगे, क्योंकि गुरु जी ने कहा अच्छे तरह से ठाकुर को खिलाना आप खा ही नहीं रहे हो, इतने में वो गया आत्महत्या करने के लिए। भगवान हीर गए राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी थे हीर गए प्रभु राम, इसकी भावना सरलता को देख करके
हमने बोले हनुमान जी जाओ उसको पकड़ करके ला दे। बोले ठाकुर जी खाना खा रहे, वो तो छलांग लगाने वाला था, इतने में पीछे से हनुमान जाकर पकड़ लिए। बोले ठाकुर जी खाना खा रहे। बोले खा रहे ठाकुर जी। बोले हाँ सचमुच से पा करके देखा प्रभु राम बैठे भजन कर रहे हैं। फिर माता जानकी भजन की लक्ष्मण थे हनुमान जी और लास्ट में उसने भजन किया। उसने जब दो चार दिन सेवा की ना, बोले ठाकुर जी मेरे से वो हो नहीं पाया, क्योंकि पहले भिक्षा करने के लिए गांव में जाना पड़ता था, वहां से चावल रोटी हाँ वहां से आटा भाटा लाओ, फिर लकड़ी लाओ जंगल से हाँ लकड़ी से बनाओ, फिर भोग लगाओ, बोले पतल लाओ। ठाकुर जी मेरे साथ इतना अकेला कितना करो। ठाकुर जी बोले बताओ हमें कुछ करना पड़ेगा। बोले हाँ थोड़ी सी मदद करते तो अच्छा रहना। बोले मैं क्या करूँ। बोले आप तो घर की पिता है, आपको ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, आप थोड़ी सी दोड़ा बना देना और थोड़ा पत्ता ले आना। बोले बेटा कर लूंगा भैया। सीतावली बताओ मेरे को क्या करना। बोले तुम तो घर की माँ हो, माँ का क्या काम भोजन बनाना। बोले मैं तो जिंदगी भर जंगल में ही काम। बोले बेटा तुम भोजन बना दो। लक्ष्मण बोले बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले आप थोड़ा जंगल से लकड़ी ले आना सुखी सुखी लकड़ी। बोले मैं तो जिंदगी भर यही काम किया। इतने में हनुमान जी बोले बोले मेरे को कुछ। बोले और जितने बाकी काम देखभाल करना आता। बोले भैया मेरा काम ही यही था, अभी ये केवल भिक्षा करके ले आया था। और मैया सीता इतने सुंदर सुंदर रसोई बनाती, माँ लक्ष्मी है ना, हर रोज छापन भोग 36 व्यंजन भगवान प्रसाद पाते चकाचक और बड़ा सेवा चल रहा है, बड़ा खुश है। कुछ दिन बाद में गुरु जी का पत्र आया, लेटर आया। बोले बेटा रामदास मैं अमुक दिन आ रहा हूँ, तो मेरे साथ में कुछ संत भी आ रहे हैं, एक टाइम के लिए तुम थोड़ी सी खाना बना देना। मैं आकर के सारे काम देख लूंगा, लेकिन एक टाइम के लिए व्यवस्था कर देना। उसने पत्र लेकर के माँ सीता को दिखाया। बोले माता जी गुरु जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं एक दिन के लिए खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था कर देना। बोले बेटा कोई चिंता मत करना, तू थोड़ा ज्यादा भिक्षा मांग करके ले आ, मैं अच्छी तरह से बना दूंगी, इस कोई चिंता मत करो। उसने गुरु जी को पास में पत्र भेज दिया। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, मैया सीता रोज छापन भोग 36 व्यंजन बनाती है, प्रभु राम बड़े सुंदर पत्ता तोड़े बना देते हैं, लक्ष्मण भैया तो रोज कुछ भी लकड़ी ले आते हैं, और हनुमान भैया तो सारे काम देख लेते हैं, कोई चिंता मत कर गुरु जी। माता जी कहती है जितने संत आए सब संतों को लेकर के आओ। गुरु जी ने पत्र पाकर बोला पागल क्या बोल रहा है, भैया सीता खाना बना रहे हैं लकड़ी ला रहे हनुमान जी। सोचा पागल छोटा बच्चा कुछ जानता नहीं, पता नहीं क्या क्या। अभी गुरु जी जब शिष्यों को लेकर के आए बड़े चिंतित, पता नहीं छोटा बच्चा क्या क्या होगा। जब गुरु जी आए देखा पूरा घर में खाना बनी हुई, इतने तरह तरह का खाना बना हुआ घर में है। अरे इतने तरह का खाना कहां से आए। इतने में देखा माँ सीता कोने में बैठी करके ना वो स्वयं रसोई बना रही है। इतने में मैया सीता गुरु जी को देख करके थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुराए और वहीं से अंतर ध्यान हो गई। बोले क्यों। बोले ये जो बच्चा इसकी मन में सरल भावना थी, वो सरल भावना होने का नाते ठाकुर जी सब कुछ काम करते थे, इसलिए हठात अंतर ध्यान हो गए माता सीता। इतने में पूछा भैया कि कैसे हुआ, और उन्हें सारी बात एक एक करके बताया। इतने में उसने तो उन्होंने उनके चरण में गिर पड़े चेले को। बोले बेटा चेला तो चीनी बन गया और गुड़ गुड़ बन गया है। आज तुमने भगवान को अपना प्रेम में बसीभूत कर दिया भगवान को। हाँ देखो ये जो भगवान है ना मंदिर में, ये मत समझो ये कोई पत्थर का कोई विग्रह है। हाँ इनको कोई पत्थर की कोई विग्रह नहीं माननी चाहिए, इनको माननी चाहिए। महाप्रभु कहते थे विग्रह ना तुम साक्षात ब्रजन नंदन, कभी ये विग्रह नहीं ये साक्षात भगवान है। अगर हम इनकी प्रीति प्रेम से आप घर में अपना घर में देख लो, अगर घर में ठाकुर को सेवा सही सही करते हो, आप देखोगे कभी कृष्ण को रूठते हुए देखोगे, कभी देखोगे कृष्ण को ऐसे लगेगा जैसे कृष्ण कह रहे हैं तुमने आज मेरे को खाना ठीक से नहीं खिलाया हो, सुलाया नहीं। आप स्वयं ठाकुर को सेवा करते हुए देखना, देखना ठाकुर का जो फेस है ना बदलता हुआ देखो, बदलता हुए देखोगे ठाकुर का फेस, अलग अलग समय में अलग अलग रूप में ठाकुर को दर्शन करोगे। अगर सही सही ठाकुर को सेवा किया तो इसलिए क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी की ठीक ठीक से सेवा कर, ठाकुर जी की
सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। और जो तीसरी चीज है, घर में तुलसी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है ना। रोज क्या करो, घर में नहा धो करके तुलसी की पूजा करो, हाँ, क्योंकि इनकी कृपा के बगैर जीव को भक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए हम कहते हैं ना, वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्य भक्ति नमो नमो। ये भगवान की भक्ति प्रेम के लिए तुलसी करने वाले हैं, इसलिए राधा रानी तुलसी की सेवा करके ही उन्हें कृष्ण को प्राप्त किया। राधा रानी स्वयं कहती, और भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए, तुलसी में अपना स्वरूप ठाकुर रख गए, इसलिए तुलसी की घर में रोज पानी देनी चाहिए, तुलसी पूजा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। ठाकुर जी को जो आरती दिखाते हो ना, वो आरती लेकर तुलसी को दिखानी चाहिए ठाकुर जी की। ये ठाकुर जी की ये प्रसाद है ठाकुर जी, ठीक है। और गले में सबको तुलसी की कंठी पहननी चाहिए, सब गले में तो कंठी है ना, इसलिए कंठी के बगैर ये शरीर पवित्र नहीं होता है। इसलिए जब महाराज दूतों को कहते हैं, देखो जो भगवान की भक्ति नहीं करते है ना, उनको पकड़ करके मेरे पास ले आना, पकड़ पकड़ करके मेरे पास ले आना। बोले पता कहीं चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता। बोले मैंने पहले बताया ना, दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है ये किसी घर की कुत्ते है। और फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, पालतू को भी मारते नहीं और फालतू को ही छोड़ते नहीं। इसलिए गुरु जी कहते थे, जब एक बार हम गुरु जी के हाथ से गले में माला पहन लिया, अगर माला किसी कारण से टूट गया, तो जब तक दो बार गले में माला नहीं पहनते हो तब तक पानी नहीं पीनी चाहिए, पाप लग गया पानी पीना। क्योंकि जैसे हम जो चीज खाते हैं वो यहाँ टच, गले में माला है ना, उसको टच करते हुए अंदर में जाता है, वो पवित्र होकर के जाती है। जो कुछ बोलते हैं पवित्र होकर के निकलती है, पवित्र होकर के निकलती है। इसलिए गला किसी अवस्था में भी कभी गला माला से उतारनी नहीं चाहिए, हर समय गले में, सारा दुनिया भूल जाओ लेकिन गले से माला नहीं उतर। बोले क्यों, अगर किसी समय अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा, सिद्धार्थ जम पुर जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर गले में कंठी है, कोई चम दूत उनके तरफ में आंख टेढ़े करके भी देख नहीं सकते, क्यों, भगवान कहते हैं ये मेरे भक्त हैं, ये मेरी आश्रित है, ये सब के सब। इसलिए गले से कभी माला नहीं उतरनी चाहिए है, और तुलसी पूजा करनी चाहिए। और जो चौथा जो चीज है, हमें एकादशी भी व्रत हमें रखनी चाहिए, क्योंकि भागवत में जैसे कोई सोम कोई मंगल अलग अलग व्रत करते हैं, भागवत में कोई बाहर व्रत का नाम नहीं, केवल एकादशी की कथा भागवत में आती है, ये भक्ति जननी। इसलिए एकादशी को बताया, एकादशी क्या है, बल्कि कल्पतरु व्रत है, मतलब एकादशी करके जो कुछ मांगो एकादशी आपको सो दे देगा, सारी चीजें एकादशी से मिलेगी। और इसका इष्ट स्वयं कृष्ण, जब इनकी उपासना कर ली खुश हो गए, तैतृष करण करते हो तो अपने आप तुम्हारे घर में खुश हो जाएगी, ठीक है ना। एकादशी का दिन अर्ण में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता हत्या, सब पाप एकादशी का दिन अर्ण में आश्रय करके रहता है। जो एकादशी का दिन अर्ण खाएगा उसको सारे पाप भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए चार चीज छोड़ो और चार चीज को जोड़ो, बस कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर आए पीजी में 7 दिन, कितना दिन रहा, 7-8 दिन तक मिल रहा है ना, इस बार में लगता है सबसे ज्यादा दिन इस बार मिल रहा है, इस बार में पहले आया था कितना दिन था मगर, इस बार तो 8-9 दिन हो गए ऐसे कुछ दिन रुक गया। और हम जो आए हैं, आप लोगों ने बड़े प्यार दिया है, हाँ बड़े प्रेम दिया है, और हम प्रभु जी अभी सभी चलो तो हमारे श्री जगन्नाथ प्रभु पूजा प्रभु नहीं है, लेकिन हमने रहा प्रभु का नाम क्या है, हनुमान पर प्रभु जी जिस घर में हम रुके, गणेश जी, और पत्नी का नाम मनोज, हाँ। इसलिए मैं सोचा था पता नहीं अभी तो प्रभु रहते समय ना प्रसाद पाते थे, लेकिन हमारे माता जी ने रोज हमारे लिए बढ़िया बढ़िया चकाचक प्रसाद बना रहे हैं, रोज मैं जैसे बोलता था हाँ रोज ऐसे ही मेरे लिए प्रसाद देती। इसलिए इन लोगों ने मेरे को मतलब ये मैं आशीष नहीं दिया, यहाँ पर जगन्नाथ प्रभु गए नहीं,
उलझा प्रभु ने बहुत सोच रहा था, पता नहीं हम पता रहता था ये में आ गए, लेकिन ये दोनों ने गाड़ी में लेकर जाना प्रभु जी कहीं भी घुमाने के लिए, बोलता बोलते चलो पहले से तैयार रहते, लेकिन वही मना करते थे, प्रभु बोलते चलो कहाँ जाना चाहते, इसलिए इन लोगों ने अपना घर में रुकवाया, खूब प्रेम दिया। और करुणा जी प्रकाश प्रभु ब्रिज ब्रिज से आए और मैंने आ करके यहाँ पर यज्ञ की और आना कीर्तन करना, हमें भी घुमाने के लिए जाना वहाँ भी करते, और यहाँ भी आकर के उन्होंने पूरी की पूरी उन्होंने पूरी भागवत कथा सुनी। और संजय प्रभु जी सब मंदिर को देखभाल कर रहे हैं अच्छे तरह से, सारी चीज को अच्छे तरह से ये देखभाल कर रहे हैं मंदिर को, हाँ जैसे ब्रह्मचारी जैसे ठाकुर को सेवा बुझा में ठाकुर इनके भी भगवान आशीर्वाद दे, ये भी पूरा ब्रह्मचारी बन कर भी पूरा की पूरा गुरु इसमें भी सेवा में अपना जीवन लगा दे। और ये प्रभु जी क्या नाम आपकी विजय, हाँ इन्होंने भी संडे संडे कथा करते है ना, हाँ इसलिए संडे संडे में आकर अच्छे तरह से कथा करो यहाँ पर, ठीक है ना। और मैंने जैसे बताया ना, कोशिश करो घर घर में जाकर यहाँ बैठ रहने पर प्रचार नहीं होगा, नहीं तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर घर पर नहीं भेजते हैं, तब भी इसलिए बोले घर घर में जाओ जाकर के सबको कृष्ण भक्ति की भिक्षा मांगो, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करना जैसे बीच बीच में आपका जो परिचित लोग होगा उनके पास में जाओ, फिर इस कीर्तन पर आपने टीम अच्छी है, हाँ प्रभु बढ़िया कीर्तन करते हैं, हाँ ठाकुर जी को बजाने की भी कला दी और गाने की भी कला दी ठाकुर जी को, परमानंद कर लो, इसलिए नाम ही परमानंद है, इसलिए सबके सब भी करके ना यहाँ पर कोशिश करो अच्छे तरह से, यहाँ पर घर घर में जा करके प्रभु जी मृदंग बजा लेते हैं आप तीनों अच्छा है, है? और प्रभु जी को भी बुला सकते हैं, प्रभु जी को ले जाना घर घर में कीर्तन पर कथा समझाओ, बुला मंदिर में कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, घर में बैठने पर प्रचार नहीं होगा। और कृष्ण कहते हैं सबसे ज्यादा प्यारे मेरे कौन है, बोले जो जीव जो भूले भटकते हुए मेरे जो जीव है इनको जो मेरे पास में ले आते हैं वो सबसे मेरे प्यारे है, कृष्ण कहते हैं सबसे बारे प्यारे। और प्रभुपाद कहते हैं अगर एक जीव को प्रभु के भजन में लगा दो इतना पुण्य है, करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज भी खोल दो उसमें भी इतने पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति को प्रभु को भक्ति में लगाने का, ठीक है ना। इसलिए आप सोच नहीं सकते मैं इंडिया में रहता हूँ कितने परिश्रम करता हूँ प्रभु जी, दिन रात में बराबर कर देता हूँ प्रचार के लिए, बराबर कर देता हूँ प्रचार करने के लिए, अपना कुछ नहीं देखता हूँ रात दिन वहां पर, इतने मेरे बहुत प्रोग्राम इंडिया में तो बहुत प्रोग्राम, यहाँ से जिस दिन जाओगे